नमस्कार, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक कोई भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, कोई भी हमारे भाई बहन इसको देख सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, या स्कूल में अगर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। तो पहले मैं बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रिक्स पे जाती हूँ। उसको ट्रिक नहीं कह सकते, एक दो फॉर्मूले जो ट्रिक के बेसिस पे रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस बने रहिएगा एंड तक, बस इतना बोलूंगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ईजी है, आपको नंबर फोकट के दिलाता है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको परसेंटेज रिवाइज करवाना चाहती हूँ। परसेंटेज मैं टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपके करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज प्रतिशत को अनुपात में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर परसेंटेज को अनुपात में कन्वर्ट करना रहे तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 100% का अनुपात निकालना हुआ तो 100 से हम भाग देंगे तो इसका मतलब इसका रेशियो 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 50% का रेशियो निकालें तो 50% का रेशियो क्या हो जाएगा, 50/100। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिवाइज करवाने के तौर पे आपको बता रही हूँ सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ऐसे किसी भी परसेंटेज को हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं, और अगर रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहे तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आपको, डिस्कस कर चुकी हूँ, तो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इस परसेंटेज के बेसिस पे, इस फ्रैक्शंस के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हल हो सकते हैं, इसलिए मैंने परसेंटेज टॉपिक आपको पहले पढ़ाया था। तो देखिए, परसेंटेज मैंने साइड में लिख दिया है जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, मैं लिखूं इसके बाद फिर मैं बताऊं, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए मैंने पहले लिख के रखा है। जैसे 100% को कन्वर्ट किया तो 1 आया, 50% 1/2 आया, 1/3% को हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो में तो 1/3 आएगा, 25% को 1/4। यहाँ तक हम जानते हैं, हम बहुत यूज्ड टू हैं इन सब चीज़ों से। 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/5 होता है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये तीन फ्रैक्शंस जो हैं इस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार रफ कॉपी में आपके लिख के रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्या है, 16/2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/6 होता है। कैसे, 16 × 3 = 48, 50/3। ठीक है, 50/3 अब ये परसेंटेज है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से भाग देंगे, तो 50/3 × 100, ये क्या आ जाएगा, इसका 1/6 आ जाएगा। तो इसी तरह से ही ये जो परसेंटेज है, 16/3% का जो रेशियो होता है ये 1/6 होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही सेम 14/7% को 1/7 लिख सकते हैं, 14/7% को 1/7 लिख सकते हैं रेशियो। ठीक है, 14/7% का जो रेशियो होता है वो 1/7 होता है। 12/1/2% का जो रेशियो होता है वो 1/8 होता है। ऐसे 16/3% का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1/6 होता है। ये तीनों पे आपको काम करना है। इसके बाद 11/1/9% को हम क्या लिख सकते हैं रेशियो में, क्या हो जाएगा, 1/9%। ऐसे ही 9/1/11 अगर लिखा रहे, 9/1/11%, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1/11 हो जाएगा इसका अनुपात। तो आपको बेसिकली, मैं इसको लर्न करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, जैसे आप ये यहाँ से इतना कन्वर्ट करने में टाइम लगता है आपको, अगर ये चीज़ें आपको टिप पे आपके रहेंगी तो आपके क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, इतना मैं अब समझ के चल रही हूँ कि आपको लर्न हो गया होगा, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक मैंने आपको पहले ही कवर करवा दिया है। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, मूव करते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब क्या हुआ। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था आपको कि अगर
कोई पैसा है हम किसी को उधार दे रहे हैं तो उस पे जो ब्याज लग रहा है, पैसे पे जो हमें पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा पैसा, उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। ठीक है, ऐसी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मतलब एक्स्ट्रा मनी पे भी इंटरेस्ट लगता है, उस पे भी जो मनी मिलता है उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हमने आपको एक 100 रुपये का एग्जांपल लिया था कि हम किसी को 100 रुपये उधार देते हैं 10% के रेट पे, अगर हम 2 साल के लिए देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, 100 का 10%, 10 रुपये मिलेगा हमें एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, 1 साल के बाद फिर दूसरे साल में भी हमें 10 रुपये मिलेगा, 100 का 10% 10, तो हमें जिसको हमने उधार दिया है 100 रुपये वो हमें 2 साल बाद कितना रुपये रिटर्न करेगा, अगर उस पर साधारण ब्याज लग रहा है तो, साधारण ब्याज लग रहा है तो कितना रुपये रिटर्न करेगा, कितना करेगा 120, मतलब 100 प्लस 10 प्लस 10, तो टोटल 120 रुपये हमें रिटर्न करेगा। लेकिन अगर कोई कहा कि 100 रुपये कोई दिया और उस पर उसने बोला कि इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब हुआ कि पहले ईयर में उसको कितना रुपये मिल रहा है, 100 रुपये पे अगर 10% का ब्याज दिया जाए तो 10 रुपये मिलेगा एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, तो पहले ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट 10, मतलब सिंपल और कंपाउंड यही रहेगा 10 रुपये, लेकिन 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 दूसरे साल में इस एक्स्ट्रा मनी जो हमको मिली है 10 रुपये, मतलब 110 रुपये का 10% इंटरेस्ट हमको दूसरे साल में मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका हमें 11 रुपये मिलेगा, पहले साल में हमें 10 रुपये मिला और दूसरे साल में हमें 11 रुपये मिला, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 21 रुपीज़। ठीक है, 21 रुपीज़ मिल जाएगा, दैट इज़ हमें 2 साल के बाद जिसको हमने उधार दिया है वो हमें 2 साल के बाद 121 रुपये देगा। ठीक है, 121 रुपये देगा, कैसे, 100 रुपये पहले साल में 10% इंटरेस्ट पे 10 रुपये मिला 100 का, इसके बाद दूसरे साल में 10 का तो 10% निकला, लेकिन 100 का तो 10% 10 रुपये हुआ, लेकिन तो 10% जो 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिले हैं उस पे भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज़ 110 रुपये, इस पे 10% का ब्याज 11 रुपये, इट मीन्स दैट 121 रुपीज़ हमको दूसरे साल में इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, और जो ये 21 रुपीज़ है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि ब्याज पे ब्याज। ठीक, अब इसका एक फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, स्कूल्स में हमारे यही पढ़ाया जाता है, पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये क्या हो जाएगा, इससे आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा जाए, अगर आप फॉर्मूले पे जाना चाहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये हो जाएगा आपका पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अब पी क्या है, प्रिंसिपल, जो हमारा बेस वैल्यू था, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल पैसा था, ये प्रिंसिपल आपका हो गया, और आर क्या हो गया, कितने परसेंट पे, कितने परसेंट रेट पे वो पैसा दिया जा रहा है ब्याज के रूप में, तो ये हमारा रेट हो गया, और टाइम मतलब कितने समय के लिए दिया जा रहा है, ये आपका टाइम हो गया, कितने टाइम के लिए वो पैसा इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, दैट इज़ टाइम, दैट इज़ टी। टी की जगह पे बहुत लोग एन भी लिखते हैं, आर भी लिखते हैं, कुछ भी आप डिनोट कर सकते हैं, इससे वो मैटर नहीं करता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और फिर जब अगर अमाउंट की बात आती है तो अमाउंट क्या हो जाता है, मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट, साधारण ब्याज में क्या था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें मैं कंपेयर करके बता रही हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ से ये दो फॉर्मूले आपको पता चल गए, लेकिन 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 हम लोग इस फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप स्कूल में, आप
स्कूल के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले से, क्योंकि आपको डिटेल मेथड में करना होता है, तो आप इस फॉर्मूले से जा सकते हैं, इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे काम नहीं चलाना है, आपको थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, आपको चीज़ें जल्दी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यूनिट मेथड अप्लाई करेंगे। यूनिट मेथड के लिए क्या ज़रूरी है, आपको परसेंटेज का रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज का रेशियो पता होना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हल हो जाएंगे और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं एक बेस वो इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई रेट, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 रुपये वाला, ठीक है। अब 100 रुपीस को अगर 10% के इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए अगर किसी को दिया जाए तो आपसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए, ठीक है। 10 रुपये मतलब ये क्या है, आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है ये। अब एक मिनट, ये जो मैं मेथड बताने जा रही हूँ उससे ये 100 रुपये वही आ जाएगा, तो मैं इसमें कुछ दूसरा वो ले लेती हूँ अमाउंट, प्रिंसिपल मैं 200 ले लेती हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल मैं 200 ले ले रही हूँ, और रेट आपका कितना दिया हुआ है, ये रेट है और ये टाइम है। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ CI इक्वल टू ए इंटू वन प्लस पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, वो फॉर्मूला है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब बड़ी संख्याएं आती हैं तो आपके कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, और भी डिटेल मेथड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप क्वेश्चन में फंस जाते हो। तो इसलिए हम ये वाला मेथड अब देखिए कैसे करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या करना है, 2 साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें पूछा है, तो आप क्या करोगे, जो रेट है, रेट कितना है, 10% का रेशियो कितना होता है, 1/10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ 2 साल के लिए पूछा है तो ये जो नीचे जो वैल्यू दी हुई है, जितना भी टाइम इसमें दिया रहे, ठीक है, जितना भी टाइम इसमें दिया रहे उसका आप जस्ट पावर कर लोगे। मतलब यहाँ पे 10 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे बेस क्या है, रेशियो आपका 1/10 है, और ये ईयर जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल आएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, जो प्रिंसिपल आएगा वो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2, हमने माना है, हमने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 100 यूनिट। अब 100 यूनिट को 1/10 के रेट से अगर हम करें तो पहले ईयर में क्या प्रिंसिपल मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10, और फिर यहाँ पे दूसरे साल में भी 10 आ जाएगा, लेकिन दूसरे साल में जब एक और इंटरेस्ट, मतलब 100 पे तो इंटरेस्ट 10 मिला ही है, लेकिन इस 10 पे भी तो 10% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, इसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये पूरा मिला के, ठीक है, ये पूरा मिला के, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, दैट इज़ 21 यूनिट जो है, ये यूनिट में है सब, ठीक है, यूनिट में 21 यूनिट जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने प्रिंसिपल माना था 100, ठीक है, हमने प्रिंसिपल माना था 100, और प्रिंसिपल दिया कितना हुआ है, 200 दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल 200 दिया हुआ है और हमने माना कितना था, 100 माना था, इट मीन्स 100 यूनिट बराबर 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 2 रुपये, ठीक है। अब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21 यूनिट है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी
42 रुपीज़। इट मीन्स दैट दो साल बाद आपको 200 रुपये में 200 रुपये का 42 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, 42 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा 200 रुपये के ऊपर। अगर यहीं से देखिए 21 यूनिट तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर यहीं पे आपको क्वेश्चन में दिया होता, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस रुपीज़ में दिया हुआ है। सपोज़ यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है था पहले क्वेश्चन में, अगर प्रिंसिपल ना देके मतलब मूलधन ना देके आपसे कोई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दे दिया होता तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है देखिए। अब ये यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, 20 रुपये, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20 यूनिट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना हो गया 21 यूनिट हो गया, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो वहाँ से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। और अगर अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट क्या हो जाता है, यहाँ से इस क्वेश्चन से क्या आ जाएगा, अगर अमाउंट पूछा जाए तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 21 यूनिट है, तो मतलब 121 यूनिट आपका अमाउंट हो गया और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2 रुपये है, तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 242 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल लेके बताई थी, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं दूसरे क्वेश्चन से। ठीक है, अगर 2-3 बार आप देखेंगे वीडियो तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर पहली बार में आपको समझ में ना आ रहा हो, ये बहुत अच्छा तरीका है, ये डिटेल्ड मेथड है। अगर आपने परसेंटेज टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होने वाला है और एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत ईजिली आपको गेन करवाने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आपको CI माइनस SI की वैल्यू 3.5 रुपीज़ दी हुई है, ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है आपका, रेट दिया हुआ है कुछ भी मान लीजिए 20%, मान लीजिए कि रेट आपका 20% दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, ठीक है, 2 ईयर्स दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमको प्रिंसिपल मतलब मूलधन बता दीजिए और ये अमाउंट बता दीजिए। ठीक है, अमाउंट बता दीजिए, दो चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज पे जाना है, रेट पे जाना है। रेट पे जाएंगे, आपको इसका 20% का रेशियो कितना होता है, देखिए 20% का रेशियो 1/5, तो सबसे पहले आप 20% के रेशियो को लिखेंगे 1/5। अब 1/5 से आपको वेस वैल्यू उठानी है, वेस वैल्यू क्या है 5 है, और टी अगर यहाँ पे 3 ईयर्स दिया होता तो इसका क्यूब हो जाता, लेकिन यहाँ 2 ईयर दिया हुआ है, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 25। 25 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस इंटरेस्ट से, इस रेशियो से ये कट जाए ईजिली, ठीक है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, हमारा प्रिंसिपल जो आ गया वो 25 यूनिट आ गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल 25 यूनिट है, रेट कितना है 1/5 है, तो आपको पहले साल में भी ये 25 × 1/5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपये मिला, फिर दूसरे साल में भी सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपये मिला 1/5 के रेट से। ठीक है, और फिर दूसरे साल में भी इसका 5 × 1/5 दैट इज़ 1 रुपीज़ क्यों मिल रहा है, क्योंकि 20% की रेट से इस 5 पर भी ब्याज लग रहा है ना, इस 5 पर भी मतलब ब्याज पे ब्याज। 25 का 5 हमें पहले ईयर में ब्याज मिला, दूसरे ईयर में भी 25 का 5 रुपये ब्याज मिला, फिर दूसरे ईयर में इस 5 पर भी ब्याज लगेगा और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, 10, 11। ठीक है, 11 यूनिट जो है आपका, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, ये 10 यूनिट हो गया।
और इसका डिफरेंस जो होगा ये एक यूनिट होगा, डिफरेंस एक यूनिट होगा, एक यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू आपकी दी हुई है 3.5 रुपीज़। ठीक है, अब मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3.5 रुपीज़। तो आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा। अगर प्रिंसिपल हमने माना था 25 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3.5 रुपीज़, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप निकाल लोगे, तो प्रिंसिपल हमारा क्या आ जाएगा 25 × 3.5। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 25 × 75 और 0.5 मतलब 1/2 प्लस 12.5। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 0.5, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 87.5 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल इतना है और कंपाउंड इंटरेस्ट 11 यूनिट है, कंपाउंड इंटरेस्ट 11 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 3.5 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 25 यूनिट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 11 यूनिट, दैट इज़ 36 यूनिट टोटल है, और अमाउंट जो है एक यूनिट की वैल्यू 3.5, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 × 3.5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ इसको कितना लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं 3.5 को, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 × 7/2। अब 6 × 7 = 42, ठीक है, 6 × 7 = 42, 4 यहाँ पे आया और 7 × 3 = 21, 21 × 4 = 25 / 2, तो 1, 2 यहाँ पे 6 सही है कैलकुलेशन, 126 जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन सही है 1 और ये 126, हाँ सही है, तो 126 रुपीज़ जो होगा ये आपका अमाउंट हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12 मतलब हम सीधे सीधे देखिए टाइम हम सीधे लिख लेते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है 12 × 1/2% दिया हुआ है, ठीक है, और प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना 340 रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या करना है तो उसी दर से समान राशि पर अवधि के लिए साधारण ब्याज मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है सबसे पहले रेट उठाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा रेट उठाना है। अब 12 × 1/2% का रेशियो कितना होता है, मैंने आपको बताया था 1/8 होता है, ठीक है, क्या होता है 1/8 होता है। तो टाइम यहाँ पे देख लीजिए ये यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 साल के लिए दिया हुआ है तो हम बेस वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 है, अब 8 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 64। अब 64 को 1/8 के रेट से इसको पहले साल में इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हमारा प्रिंसिपल यहाँ से कितना है 64 यूनिट। ठीक है, 1/8 की रेट से 64 पे कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और दूसरे साल में भी 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 8 का 1/8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, ये आ गया 17 यूनिट। ऐड कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8 + 8 + 1 दैट इज 17 यूनिट। अब 17 यूनिट आपकी आ गई है और आपकी 17
यूनिट, मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 17 यूनिट आया है और क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 340 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ, 17 यूनिट के बराबर कितना है 340 रुपये है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 20 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट ये होता है, ठीक है, पहले साल का 8 और दूसरे साल का 8, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 16 यूनिट आया था हमारा। अब लेकिन एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 20, तो ये कितना आ जाएगा, 320 रुपीज़ जो होगा ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा दो साल बाद। और यही आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो ये 2018 का क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना सिंपल है। अगर यहाँ पे कुछ भी पूछता आपसे, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता तो प्रिंसिपल कितना हो जाता, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 20 यूनिट, तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा 64 × 20। ठीक है, यहाँ से 8 1 2 1 2 8 0 रुपीज़ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर अमाउंट पूछता तो अमाउंट कितना हो जाता, 1 2 8 0 प्लस 340, ये हो जाता आपका अमाउंट। अगर आपसे डिफरेंस पूछता, डिफरेंस आपका कितना हो जाता, 340 माइनस 320, 20 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाता। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। ये मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन आपको परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आपने परसेंटेज वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके इस वाले टॉपिक में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ऐसे ही सॉल्व करें तो हमारा इसमें 10 से 15 मिनट जा सकता है। इसलिए एक फॉर्मूला है और ये पैनेशिया है, रामबाण है आपके इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, t बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन r। अब आप पूछोगे कि ये क्या है, मैं टर्म्स बता देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, टी टाइम है, ये वर्ष में आएगा, आर रेट है, और एन जो है, ये एन बताती हूँ मैं क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है, कितने साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 16 वर्षों में अपने से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कितने साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, तो हमसे रेट पूछ रहा है। तो रेट क्या हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो टाइम अगर दिया हुआ, देखिए मैंने बताया टाइम बराबर n-1 × 100 अपॉन r, ये वर्ष में दिया हुआ है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में रेट पूछ रहा है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, n-1 × 100/t हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, कितनी साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 16 वर्षों में अपने का दोगुना। अब ये जो दोगुना तिगुना, ये जो यहाँ पे आएगा वो n की वैल्यू है। ठीक है, क्या है, जो दोगुना तिगुना जो आ रहा है वो क्या है, वो n की वैल्यू है। तो इसमें जो n की वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोगुना पूछा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे। अगर तिगुना पूछा होता तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखते। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ इस टाइप के क्वेश्चन। ये जितने भी मैंने 4 क्वेश्चन आज लिए हुए हैं, ये 4 टाइप के ही क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब इंटू 100 / टी कितना है, 16 वर्ष, ठीक है, 16 है अब यहाँ पे, तो यहाँ से आपका परसेंटेज कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100/16, ये 4 × 16 और ये कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 4×5=20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब हम ये आंसर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो देख लीजिए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कैसे, जो डिनोमिनेटर है 4 से हम 25 को भाग देंगे। ठीक है, और ये 6 टाइम्स जा रहा है,
तो ये जो हो जाएगा ये 1। अब ये जो रिमाइंडर है आपका ये हो जाएगा न्यूमरेटर, और जो 6 है वो बगल में आ जाएगा, और जो ये 4 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यही आपका परसेंटेज हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये 2010 UPLDA का क्वेश्चन है, ठीक है, 2010 का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चंस देखे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो ये मैंने रेट आपको निकालना बता दिया। कुछ क्वेश्चंस ने टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा है तो सीधे 2 गुना 3 गुना जितना भी आपके क्वेश्चन में पूछे वहाँ पे ये वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है, आपको टाइम पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को भले ही भूल जाओ लेकिन इस फॉर्मूले को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन रब कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई रुपए की धनराशि जो है वो 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। 5 वर्ष में, ये थोड़ा, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके UPPCS में, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई ये 12,000 की धनराशि, 12,000 धनराशि है आपका, ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल है वो 12,000 रुपये है, इसके बाद 5 वर्ष में 2 गुनी होती है, मतलब ये हर फाइव ईयर में डबल हो जाती है जस्ट। तो आपसे पूछा है कि 20 वर्ष में मतलब 20 ईयर्स में कितना पैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें यहाँ से एक लॉजिक देखना है, क्या देखना है, देखिए 5 साल में अगर 5 साल का देखा जाए तो 2 गुनी हो जाती है, इट मीन्स दैट 2 की पावर 1। ऐसे ही अब 5 + 5 मतलब 10 ईयर होगा तब क्या हो जाएगा इसका 2 की पावर 2, मतलब ये जितनी बार 5 हम ऐड कर रहे हैं ये 2 की पावर पे चढ़ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब 15 साल होगा तो आप उसका 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो मतलब 5 + 5 + 5 मतलब 15 साल हो गए, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 करेंगे। ऐसे ही 20 साल बाद पूछा है आपसे, 5 + 5 + 5 + 5 ठीक है, ये 20 साल हो गए तो इसका मतलब 2 की पावर 4, जितनी बार ये 5 ऐड करेंगे उस पे हम 2 की पावर पे चढ़ा देंगे उसको, बस इतना करना है, और इसके बाद जो अमाउंट आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 2×4 × 8 = 16 और 12,000, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 16 × 12 कितना होता है, 160 + 32 ये कितना हो जाएगा, 192, तो 192,000, ठीक है। ये आपका अमाउंट कितने साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद आपका ये इस अमाउंट का ये इतना आपको मिलेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है फिर से देख लीजिए, अगर यहाँ पे 25 साल दिया होता, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि कोई अमाउंट है जो हर 5 साल में अपने का डबल हो रहा है तो 25 साल बाद उसका अमाउंट कितना होगा, तो आप क्या करते, 5 बार 5 5 ऐड करते, ठीक है, 5 बार 5 5 ऐड करते, इसका मतलब ये 2 की पावर 5 हो जाता, और 2 की पावर 5 को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते और यही आपका आंसर हो जाता। ये एक लॉजिक है, इसको याद रखिएगा, ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख लीजिए 2018 का क्वेश्चन है आपका UPPCS का, जो अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब चलते हैं हमने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में 8,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में बताया था कि डिफरेंस भी पूछा जाता है, कि UPPCS 2015 का क्वेश्चन है, तो क्या क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा रेट दिया हुआ है 5%
ठीक है। इसके बाद टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। और इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, 8,000, मतलब ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपीज़, ठीक है, 8,000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस इनको बताना है हमको, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको क्या करना है, इस रेट को उठाना है। 5% का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि मैम ये 20, वो 1/20 हो जाएगा। अब 1/20 एक से आपको मतलब नहीं है, अगर इसमें सपोज़ कर लीजिए 3/20 भी आता तो आपको इससे मतलब होना चाहिए, बेस डिनोमिनेटर से मतलब होना चाहिए, ठीक है, आपको ऊपर वाले से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फाइनली डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होके एक फ्रैक्शन वैल्यू में एक क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक संख्या एक आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या करना है प्रिंसिपल में, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 20 लेना है और क्या करना है, यहाँ पे कितना टाइम दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसका क्यूब कर दीजिए। इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। अब कोइंसिडेंटली देखिए ये मैच कर गया है प्रिंसिपल से, जो हमने प्रिंसिपल अज्यूम किया है मतलब 8,000 यूनिट, वही क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, ठीक है। अगर 1600 दिया होता तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 2 रुपीज़ हो जाती, लेकिन 8,000 यूनिट की वैल्यू 8,000 ही दी हुई है, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है, इतना आप समझ रहे होंगे। इसके बाद क्या करना है, 3 साल का हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 8,000, ठीक है। अब यहाँ पे पहले साल में 1/20 के इंटरेस्ट के रेट से कितना पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8,000 × 1/20, ठीक है, 1/20, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से 400, तो यहाँ से ये कितना आ गया, 400 पहले साल में भी मिलेगा, 400 दूसरे साल में भी मिलेगा, 400 तीसरे साल में भी मिलेगा, लेकिन 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 दूसरे साल में इसका भी 1/20 के रेट से इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हम निकालेंगे तो 400 × 1/20, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 400 का भी ये कितना 5% निकलेगा, तो ये 20 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर में इसका भी 20 रुपीज़ इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका भी 20 रुपीज़ इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो 20 रुपये सेकेंड ईयर में मिला था इसका भी 1 रुपये मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1/20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो ये चीज़ नहीं आती, ठीक है, ये चीज़ नहीं आती, सिर्फ ये आती। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, तो आपको अंतर बताना है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए, 400 + 400 + 400, ठीक है, 4 × 3 = 12, तो ये 1200 हो गया, और प्लस 20, 40, 60 और 61, ये 61 रुपीज़ हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1261 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है, क्योंकि यहाँ से हमने निकाल लिया, ठीक है। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये सिर्फ यही वाली वैल्यू होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे हमें जो ब्याज मिलता है उसको कंपाउंड प्रिंसिपल पे जो ब्याज मिलता है उसको साधारण ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, 1200 रुपीज़, और हमें डिफरेंस पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1261 - 1200, तो ये कितना हो जाएगा, 61 रुपीज़ जो हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ क्या करना है आपको, सबसे पहले रेट उठाना है, रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी हुई है उसका पावर चढ़ाना है, कितना,
टाइम जितना भी दिया हुआ उसका पावर चढ़ाना है, ठीक है। पावर चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, पावर चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, वही आपका प्रिंसिपल आपने एज्यूम कर लिया यूनिट्स में। अब यहाँ से आपको 1/20 के रेट से आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सारे निकाल लेने हैं। इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन में पूछे आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो मेथड है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन आता है, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया है तो आप कभी भी नहीं फंसोगे, ये इतनी मेरी गारंटी है। और स्पेशली आप UPPCS जो CSAT के क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो को देख लिए हैं तो आपके क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।